पीछे टायर स्लिप हो गया। अरे आपकी वजह से सारे लोग फंसे हुए हैं भाई, क्या बात, आगे नहीं गए। अच्छे से एक्सेलरेट कर, चल। जितनी भी गाड़ियां खड़ी देख रहे हो आप, सारी गाड़ियां बर्फ से भर गई भाई, पूरा जम चुका है, पूरा -27 टेम्परेचर में। क्या हालत है भाई साहब, सारा पानी जम चुका है भाई, पूरी पूरा नदी के बीच में। और जब बरसात का समय आता है ना, तो पूरा मंदिर ना पूरा डूब जाता है भाई। ठंडा भाई, सच में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग भाई। ठंड से हालत खराब हो रही है, इतने सारे कपड़े पहनने के बाद भी कांप रहा हूँ। एक बिस्तर, दो बिस्तर, तीन बिस्तर ढकने के बाद भी ना भाई दम नहीं आया, इतना ठंडा हूँ। -27 डिग्री टेम्परेचर में आज हूँ मैं, और मैं कहाँ हूँ पता है? पहले मैं आपको नजारा दिखाता हूँ। ये हमारे कमरे से बाहर के नजारे हैं भाई साहब। भाई जहाँ देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है भाई, सारे रास्ते रोड सारे बर्फ से ढक चुके हैं भाई साहब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, और वापस एक नए दिन में आपका स्वागत कर। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मैं हूँ इस समय चोपता में। पैरों की जो हालत है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। जूते पहन क्यों नहीं रहा हूँ आपको पता है? मैं आपको दिखाता हूँ कि जूते क्यों नहीं पहन रहा हूँ। इन जूतों की हालत कैसी, मैं आपको दिखाता हूँ। कल ना ये पूरे जूते बर्फ से भीग गए थे, अब ना ये जूते खुल ही नहीं रहे भाई। इसके ऊपर ये जो इनके लेसेस है ना, ये बर्फ में टाइट हो चुके हैं, फंस चुके हैं। और ये अपना भाई, गुड मॉर्निंग भाई, उठ जा। पानी सारा जम चुका है, खत्म हो चुका है। टॉयलेट में जो पानी है उसमें पानी ही नहीं आ रहा। ये जो पानी है ना, ये देखो पूरे पानी जम चुका है, पानी निकल ही नहीं रहा। कैसे नहाए कैसे धोए कुछ नहीं पता है। ये जूते पहनने के लिए ना मुझे पहले जूतों को गर्म करना पड़ेगा। मैंने आग जला रखी है भाई साहब, भाई पूरे जूते को ना आग सिखानी पड़ रही थी। पीने का पानी वानी है नहीं अपने पास, मैं जाकर पानी लेके आता हूँ। नीचे दुकान है जिनका ये होटल है, उनसे पानी लाऊंगा, गर्म करूंगा, सूप हमारे पास पड़ा है, मैं पानी लेके आता हूँ। तो भाई पानी लेके आ गया था, और पानी लेके सबसे पहले ना मैंने बनाया सूप। भाई कैसा बनाया सूप ये बता, मस्त हो रहा है ना? बर्तन धोने के लिए ना हमारे पास कुछ नहीं, तो ऐसे बर्फ भर रहे हैं और बर्तन को धो रहे जैसे। इसलिए कहते हैं बर्फ देखने में मजा आता है, बर्फ में रहने में फट जाती है भाई। ऊपर देखे जहाँ हम सोए थे, यहाँ देखो भाई, हम कह रहे इतना ठंडा क्यों हो रहा है, टीन के ऊपर पूरी बर्फ जमी है। देखो हमारे घर के ऊपर जहाँ पानी का टैंक, देखो यहाँ पानी का टैंक दिख रहा है आपको, ये देखो इसकी हालत देखो आप, पानी पूरा जम चुका है भाई, पूरा जम चुका है। अभी पता ही पोपट क्या हुआ, मैं टॉयलेट के अंदर गया, मेरे को लगा फ्रेश होना पड़ेगा, चलो बढ़िया है, मुंह हाथ धोने के लिए पानी खोला, पानी जाम क्यों गया, क्योंकि पानी का टैंक बाहर से है। ये देखो ये पूरा जम चुका है, पूरा -27 टेम्परेचर में। क्या हालत है, सब जम गया, कहाँ से पिए पानी, कहाँ से धोए हाथ, कहाँ से हो जाए फ्रेश, जरा डाल मार इसे, मार इसे, मार इसमें कसके। कितना सुकून मिला, गर्म पानी से सुकून मिल रहा है। इधर से तो टूटेगा ना भाई, पानी पूरा जम गया, देख रहे हो भाई, भाई साहब सारा पानी जम चुका है भाई, पूरे पानी के टैंक जम चुके हैं। और भाई देखो सुबह सुबह हम लोग उठे तो यहाँ से ट्रैक भी शुरू हो गया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो जी अब बाइक पैक करनी, अब बाइक अपनी लोड करते हैं फटाफट से, और बाइक में ना पूरी बर्फ से जम के हालत। जितनी भी गाड़ियां खड़ी देख रहे हो आप, सारी गाड़ियां बर्फ से भर गई भाई। कल रात मैंने इसमें अपना नाम लिखा था, लेकिन अब मेरा नाम मिट गया इसमें से। देखो भाई ये हमारी खड़ी है बाइक, और इसकी हालत देखो बर्फ में कैसी होगी भाई। बाइक ना अभी चलानी है, इसके अंदर देख भाई बर्फ भर गई पूरी बाइक के अंदर। अब चलाया कैसे, यहाँ के कुत्तों के बाल बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ठंडा ना लगे ना। जो यहाँ पे होटल वाले है ना, सौर ऊर्जा वाले जो लाइटें हैं, ये सब ढक जाती है भाई, और इसको साफ कर रहे हैं। देखो भाई जितने भी छतों में सारे लोग हैं ना, सब अपने छतों की सौर ऊर्जा साफ कर रहे हैं। देखो अगर इनको धूप नहीं मिलेगी तो रात को इनको लाइट नहीं मिलेगी भाई, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा, देख रहे हो भाई। ये देखो यहाँ पानी वानी भर के ना पूरी व्यवस्था करके रखी, लेकिन सारे पानी के बॉटल भी जम गए। ये लो भाई एक गाड़ी सामने फंस गई है। ओ भाई 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 चाबी कहाँ रखती, दिख रहा है कुछ, सब बर्फ से सब ढक चुका है भाई। चलो भाई तो निकलते हैं भाई, आराम से निकालना, पूरा पीछे गाड़ी आएगी, फिसलेगी गाड़ी, ऐसी रोडों में ना भाई जान भी निकल जाती है कितने बार गाड़ी फिसलने से भाई लोग। तो भाई गाड़ी निकल चुकी है, हम चोपता से निकल रहे हैं भाई आगे की तरफ, और मैं ना पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि ना भाई बहुत ज्यादा ब्लैक आइस है, मेरे बैठने से ना पीछे वाला टायर दबेगा और फिसलेगा बहुत ज्यादा। आगे 1-2 किलोमीटर तक मैं पैदल ही जाऊंगा ऐसे, जहां तक मुझे लगता है, जहां थोड़ी सी बर्फ कम होगी वहां से फिर मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा, ठीक है। सारे पेड़, सारे भाई घर सब बर्फ से ढक चुके हैं, सब कुछ, यहाँ कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं जो बर्फ से ढका हुआ नहीं है भाई। और भाई यहाँ पे ना एक प्याऊ लगा है जिसे हम हैंडपंप बोलते हैं, इसकी हालत कैसी हो गई है, कौन जाएगा पानी पीने भाई इसमें। बुरास के पेड़ पर बर्फ पड़ने के बाद ना भाई कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गया हूँ भाई मैं। तो भाई मैं सोच रहा हूँ भाई की गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है, भाई की गाड़ी यहाँ फंसी हुई है ब्लैक आइस में। चल भाई चल निकल भाई, देख रहे हो हमारी गाड़ी का टायर घूमता जा रहा है। अच्छे से एक्सेलरेट कर, चल हल्के। और बाइक चलाने में जो एक्सपर्ट ना हो ना भाई, वो तो भैया स्नो में गाड़ी लेके मत यार, देख रहे हो आप। अबे बे बे, अरे यार लो भाई एक कांड ये होना बाकी था बर्फ में, ये भी कांड हो गया, इसको उठा भाई पहले, उठा लेगा आराम से।
गाड़ी फिसलेगी चोट तो नहीं लगी? पैर में लगी? उंगली में लग गई? यहाँ से गाड़ी स्लिप हुई है और लगातार स्लिप होते होते यहाँ आके गाड़ी गिरी है भाई। गौ माता भी आ गई भैया, जंगली गाय लग रही ना भाई देखने में तो यार, कितनी सफेद बर्फ में काली काली गाय किसी लग रही देख रहे हो भाई? ओ भाई, ओ साल ये भाई, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी मुझे लग। अबे यार हाथ में लगी तेरे भाई, मैं कह रहा था ना आपसे कि मैं खुद बैठ के गाड़ी में इंतजार था, मुझे लगा ये गाड़ी चला के लाएगा आराम। सिंगल गाड़ी भी नहीं चला पा रहा बंदा, डबल में कैसे चलाएगा? उठा भाई गाड़ी उठा, वरना हालत खराब हो जाएगी थोड़ी देर में। चल जोर आ गया भाई साहब, हाउ इज द जोस? ये बीच में ना, बीच में या इधर जिन्होंने गाड़ी वाड़ी चला रखी है ना, तो गाड़ी से जो बर्फ है वो चिपक गई और ठंडा हुआ बड़ा, धूप निकल नहीं रही, जमी पड़ी है, तो पहिए ना ऐसे हो रखे एकदम, जरा सा भी हल्का सा ब्रेक लग जाता है ना पूरी घूम जाती है। चल 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 चल, निकल जाएगी भाई, यही दिक्कत हो रही है यार बार बार। और राम साहब थोड़ी देर के लिए, एक आध दो किलोमीटर के लिए बाइक में बैठा हूँ ताकि ना भाई थोड़ी देर मैं भी पैदल चलूँ, थक गया बहुत। और रास्ते देखो भाई कैसे हो गए, अभी आगे ना और खतरनाक वाली बर्फ मिलेगी ना भाई, फिर मुझे उतरना पड़ेगा। स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई, देखो सामने गिरती हुई दिख रही है, आंखों पे गिर रही है सीधी। बेटा तू तो कह रहा था मैं तो बर्फ में बहुत गाड़ी चलाई है, मैं कभी गिरा नहीं, आज कैसे गिरा? आज बस गिर गया। पूरे जंगल ना बर्फ से ढके हुए, देखो आप। चलो थोड़ा रोड अच्छा मिला है, देखते कहाँ तक रोड भाई। जितना भी आगे जा रहे ना, देवदार के पेड़ देखो आप कैसे बर्फ ढके हैं। अरे हाय मजा आ गया देख के तो यार। तो खत्म होने का नाम काहे नहीं लेता भैया? ये भाई आज मरेंगे, बड़ा बुरा फंसेंगे आज, देखना हल्के हल्के चला नहीं गिरेगा। अभी जब कल ये ब्लॉग आएगा या रील आएंगे ना मेरी इंस्टाग्राम पे, मैंने सारे रील अपलोड कर दिए हैं, सारी अपडेट। ब्लॉग तो दो दिन बाद आता है लेकिन रील सेम डे आ जाती है, तो इसलिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो बोलता हूँ ना भाई। सारी रील टाइम पर आ गई है और लोगों ने यहाँ को आना शुरू कर दिया है दिल्ली से भाई। यहाँ बाइक स्लिप होती है, देखो पीछे टायर स्लिप हो गया ले भाई, पीछे का टायर रगड़ रहा था भाई मैंने, पता क्या। चल 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 अब चल आराम से। भाई बहुत तीतर बन रहा था, गिर गई गाड़ी पर। अरे यार ये नुकसान और सही, हल्के। अरे भाई आज ना मैं पहली बार पैदल जा रहा हूँ चुपता के रास्ते में, तो मुझे बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। मैंने ना वासुकी ताल के बारे में सुना था, वो केदारनाथ से ऊपर है, लेकिन वासुकी नाग का एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर, जिसका रास्ता यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पे, पर चुपता के जंगल के बीच से रास्ता जाता है ना पतला सा, शायद बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा, क्योंकि सबको वासुकी ताल के बारे में पता है, जो केदारनाथ भगवान जी से भी ऊपर है, एक ट्रैक है ना वहाँ पे है। गाड़ी रुकी पड़ी है बर्फ की वजह से, सारे लोग फंसे हुए हैं भाई। क्या बात, आगे नहीं गए ऐसे? ऊपर नहीं गए? नहीं ऊपर नहीं गए। क्यों, क्या हो गया? बर्फ है भैया। अरे क्या हो गया फिर? अब जाके हल्की हल्की धूप आनी शुरू हो गई, अब थोड़ी राहत मिल रही है, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। अब थोड़ा चलते आगे की तरफ, ऊपर से ना भाई पत्थर गिर रहे भाई बहुत सारे, ये पहाड़ ना झड़ रहा है देखो पूरा भाई साहब। और रास्ता कैसा हो रहा है देखो, यहाँ पे काम चल रहा है जिसकी वजह से भाई पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। ये है भैया पहाड़ी बाजार कर्णप्रयाग का। तो भाई जी पहुंच गए हैं हम रुद्रप्रयाग, और ये है भैया रुद्रप्रयाग नगरी, मतलब भोलेनाथ की नगरी है ना। यहाँ पर आपका अलकनंदा और आपका मंदाकिनी का संगम होता है, एक आती है आपके केदारनाथ से और एक आती है आपके बद्रीनाथ से। तो भाई जी फाइनली हम लोग पहुंच गए भैया धारी देवी, और ये धारी देवी मंदिर का गेट भी सामने आ गया। इस समय हम मंदिर के अंदर तो जाएंगे नहीं, लेकिन आपको यहीं से दर्शन कराएंगे आगे से बढ़िया वाले। गाड़ी को यहाँ साइड किया और यहाँ देखो सामने भाई, ये है आपका धारी देवी टेम्पल, धारी देवी माता की जय। भाई जो लोग भी पहली बार दर्शन कर रहे हैं फटाफट से धारी देवी माता को जय जय लिख दो। धारी देवी माता का जो मंदिर है ना पूरा नदी के बीच में, और जब बरसात का समय आता है ना तो पूरा मंदिर ना पूरा पूरा डूब जाता है, और ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर को ना बीच से हटाकर साइड में रखने की वजह से ही ना आपका इसमें बाढ़ आई थी। इस मंदिर को लोग चाहते थे कि साइड से हटाकर, बीच से हटाकर थोड़ा साइड रख दे, थोड़ा ही अपनी जगह से हटाया था। उसके बाद ना भाई केदारनाथ में इतनी खतरनाक वाली बाढ़ आई थी ना, जिसका प्रलय हर किसी ने देखा। उसके बाद दोबारा इस मंदिर को फिर से नदी के सेंटर में रखा, अब जाके ना सब कुछ नॉर्मल है भाई। आपको धारी देवी माता के पीछे गांव दिख रहा हूँ ना, ये आपका धारी गांव है भाई। जब आप ना केदारनाथ की तरफ आते हैं, बद्रीनाथ की तरफ आते हैं दिल्ली से, हरिद्वार से, तो आपको रास्ते में धारी देवी मंदिर पड़ता है, तो आते हो तो दर्शन करते हुए जरूर जाना भैया, क्योंकि काली माता का ये दूसरा रूप है। और इनका जो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर इनका शीश रखा हुआ है और इनका बाकी शरीर है काली मठ में। ऐसी कहानी है कि जब ये नदी में बह के आ रही थी ना, तो यहाँ के किसी व्यक्ति को ना इन्होंने आवाज लगाई कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो,
तब नदी में वो व्यक्ति ने बोला कि मैं कैसे आऊंगा नदी में, आप नदी के बीचों बीच में हो। तो इसने बोला कि तू आ जा, तेरे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तो उनका एक छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही है, मुझे बचा लो बचा लो, और वो बोल रही कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, ऐसा कैसे सोचता है। तो जब वो नदी में गया तो धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे सीढ़ियाँ बनती रही, और वो नदी में जाकर जैसे ही उसने माँ को उठाया तो घबरा गया। सिर्फ और सिर्फ माता का सिर्फ शीश था, कटी हुई गर्दन थी, तो वो एकदम से घबराया। तो उसने बोला कि घबरा मत, मैं काली माता हूँ, तो मुझे जाकर किसी एक सामने पत्थर है उसके ऊपर रख दे और मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊँगी। और उस व्यक्ति ने जैसे ही उस कटी हुई गर्दन को, जो माता का जो कटी हुई गर्दन थी उसको पत्थर पर रखा, और माता एक शिला के रूप में बन गई। तब से यहाँ पे धारी देवी माता को पूजा जाता है ना। खतरनाक कहानी। इसके ऊपर सारी रील ना मेरे इंस्टाग्राम में अपलोडेड है, जाकर देख लेना, मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना। अभी कर्णप्रयाग आ गया, देवप्रयाग आ गया, धारी देवी आ गया, अब आएगा कोई देवप्रयाग, जहाँ पर भगवान राम के पिता दशरथ ने आपका तपस्या करी थी, और देवप्रयाग में एक और संगम होता है, उसके बाद सीधे हरिद्वार जाकर माँ गंगा बन जाती है। तो चलते हैं, अभी आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। पहली बार आए हो तो ऐसी ही खूबसूरत खूबसूरत चीजें मेरे इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। तो भाई जी, टाइम हो चुका है, शाम के 7:30 बज चुके हैं, और अभी मैं पहुंचा हूं देवप्रयाग। और देवप्रयाग पे पहुंच चुके हैं। मैंने आपको दिन में प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको देवप्रयाग का संगम दिखाऊंगा, जहां से माँ गंगा बनती है। भागीरथी जो गौमुख से आती है, और दूसरी नदी है आपकी जो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर यहाँ आती है देवप्रयाग में, उसका संगम हो रहा है। और यहाँ से डायरेक्ट पहुंचते हरिद्वार, इसके बाद मैं भी डायरेक्ट हरिद्वार ही जाऊंगा। पहले आपको संगम दिखाता हूँ, रात के टाइम में कितना खूबसूरत दिखता है। ये देखो भाई, ये संगम, और यहीं पर बोलते हैं भगवान दशरथ ने ना राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए यहाँ पे तप किया था, तब जाके उनको 4 पुत्रों का प्राप्ति हुई। तो भैया जी, लोग पहुंच गए हरिद्वार, हरिद्वार में ना रोहित भाई को छोड़ दिया है। हम रोहित भाई और मैं अब यहीं तक रुकेंगे, मैं अपने घर जाऊंगा, ये अपने घर जाएंगे, और बहुत जल्दी एक राइड स्टार्ट हो जाएगी अपनी लंबी वाली। तो चलो फटाफट चलते हैं। तो चलो भाई, इसको बाय बाय बोल, बाय बाय, चल ठीक है। और सुन, एक रेडबुल ले लेना रास्ते में, अगर जरूरत पड़ेगी तो पीते रहना, एक एक के दो रख ले भाई, नींद आते रहेगी रास्ते में, ठीक है। चल भाई। हाँ तो भाई, ये है बस स्टॉप, यहाँ से मुझे बस मिल जाएगी हल्द्वानी के सामने लगी, देखो भाई। तो भैया जी, फाइनली आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग को आई होप कि आपने खूब एंजॉय किया होगा, और आज मैंने एक ब्लॉग में आपको 4-4, 5-5 धाम एक साथ दिखाए, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, धारी देवी, और मतलब मत पूछो यार क्या क्या। तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पहली पहली बार आए तो। और कल मिलते हैं फिर आपसे खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। फिलहाल मैं अभी घर पहुँच चुका हूँ, बाय बाय।